हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल फुली नॉलेज एंटरटेनमेंट में। और आज आप देख सकते हैं कि मैं फार्म से हूँ और आज हम यहाँ सीखेंगे कल्टीवेशन ऑफ सरसों, मतलब सरसों की खेती। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग ये खेत को जोत चुके हैं। हम लोग ट्रैक्टर या फिर किसी ब्लॉक से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर पीछे चल ही रहा है। और इसके बाद हम इसमें सरसों की जो वो होता है खाद, उसको डालेंगे। तो लेट्स सी, हम वो देख चलिए गाइस, देखते हैं कि फार्म्स को पहले कैसे उपजाऊ बनाया जाता है, कल्टीवेटेड के लिए पूरी तरह से प्रॉपर किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पर्सन है जो खाद डाल रहा है। खाद डालने से हमारी फार्म्स को बहुत प्रॉफिट होता है, वो बहुत उपजाऊ जाता है। और थोड़ा लेंडा भी बचा है तो उसको अभी हम लोग जोत रहे हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक पर्सन खाद डाल रहा है। अब खाद में क्या क्या कैसे वो दिखता है अगर चला जाए लैंड में। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो वाइट पत्थर जैसा दिख रहा है वो खाद है। और खाद से लैंड को बहुत प्रॉफिट होता है और ये बहुत अच्छे से उपजाऊ होता है। हमारे पास बहुत है खाद रहने चाहिए, उससे लैंड को बहुत प्रॉफिट होता है। चलिए देखते हैं गाइस कि अब सरसों को आप कैसे डालेंगे। लेट्स सी, देख हमारा सरसों रेडी हो गया है। अब ये ब्लैक सरसों है, ब्लैक सरसों को लैंड में डाला जा रहा है। और ये पर्सन है, ये आप देख सकते हैं उनका हाथ कैसे मतलब लैंड में डाल रहा है सरसों। आप उसी तरह डाल सकते हैं और अपने टेक्निक से भी डाल सकते हैं सरसों। और अब हम हल्का जोतेंगे इसको, फिर से हल्का, ज़्यादा नहीं, फिर से हम पट्टा करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसे ऊपर से थोड़ा सा कल्टीवेट कर रहे हैं, मतलब जोत रहे हैं। और जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि हम इसे हल्का हल्का जोतेंगे, जिससे सरसों थोड़ा सा फैल जाएगा और सरसों और खाद थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा लैंड में, जिससे कि सरसों कल्टीवेट हो जाएगा। हम इसे पूरे लैंड में कल्टीवेट करेंगे थ्रू द ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के द्वारा हम सरसों करेंगे। अब ये लास्ट प्रोसेस है जिसमें हमें काम को पट्टा करना है, जिससे उस फिर ट्रैक्टर के पीछे लकड़ी लगाकर उसे पूरा जमीन को क्लीन करना। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह लैंड एकदम प्लेन है और ये थोड़ा सा कल्टीवेटेड है। अब इस पर पट्टा नहीं हुआ और इस पर पट्टा हो चुका है। बस इन्हीं चार प्रोसेसों से आपका लैंड कल्टीवेट हो जाएगा। तो जैसा कि आप सबने देखा, हमने बस चार प्रोसेस में सरसों की कल्टीवेशन कर दी। फर्स्ट प्रोसेस ये था कि हमें उसे अच्छे से खुदाई करके उसे जोतना है। सेकेंड प्रोसेस में था खाद और सरसों डालना है। थर्ड प्रोसेस में उसे हल्का जोतना है, जिस राइट टू लेफ्ट। और फर्स्ट वाले प्रोसेस में हमने क्या सीखा था कि अप टू डाउन कल्टीवेशन करना है। और फोर्थ प्रोसेस में हमें सिर्फ पट्टा डाल देना, मतलब पीछे लकड़ी करके उसे प्लेन करना है। तो आपका उससे सरसों की कल्टीवेशन पूरी हो जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू फ्रेंड्स।